subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सुशांत सिंह के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से फंसी हैं। रिया पर सभी की निगाहें हैं, जहां सभी का शक रिया चक्रवर्ती पर जा रहा है। जहां सोशल साइट पर रिया बुरी तरह से ट्रोल हो रही है अपनी लेटेस्ट वीडियो को लेकर, जहां हर कोई इन्हें ड्रामेबाज, नौटंकी और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली लड़की के नाम से पुकार रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह के पिता ने जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है, तब से रिया चक्रवर्ती की परेशानी बढ़ी है। रिया चक्रवर्ती को ये पता था कि बिहार की पुलिस उनसे पूछताछ करने आएगी, इसके बावजूद भी वो अपने घर से फरार हो गई। अब आ रही है खबर कि रिया ने हाई वकील को हायर किया था और इस वकील का नाम है सतीश मनसिद्धे और यही कर रहा है रिया चक्रवर्ती के केस को हैंडल। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि रिया ने मंगलवार को जमानत के पेपर पर साइन भी किए थे, जिसमें अभी पूरी तरह से खबर नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सतीश मनसिद्धे वही वकील है जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त के केस को हैंडल किया था। जी हाँ, बॉलीवुड के कई स्टार के केस को ये हैंडल करते हैं और ये सबसे ज़्यादा फीस लेते हैं और इस बार रिया चक्रवर्ती का केस हैंडल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सतीश रिया चक्रवर्ती की मदद बॉलीवुड के कई स्टार्स के कहने पे कर रहे हैं। ऐसी खबरें आउट हो रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि सलमान खान ने ही सतीश को रिया चक्रवर्ती के पास भेजा है रिया चक्रवर्ती के केस को हैंडल करने के लिए। मतलब बातें तो बहुत सामने आ रही हैं, जिन पर रोशनी पूरी तरह से नहीं डाली गई है, पर इन सब की अपडेट हम आपको अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए ज़रूर देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.